गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एलियनेशन. एलियनेशन क्या होता है? अलगाव. जैसा कि लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है, अलगाव. अलगाव ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही अभी कार्ल मार्क्स चल रहा है. तो कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटरलिज्म आपने पहले पढ़ा, क्लास और क्लास स्ट्रगल हम पढ़ चुके हैं, और अब ये टॉपिक है अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलियनेशन. एलियनेशन शब्द से ही या अलगाव शब्द से ही, जैसा आपको पता चल रहा है कि लगाव से रहित होना. क्या है? लगाव से रहित. व्यक्ति और इस टॉपिक को या मार्क्स की थ्योरी के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है. कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कि न सिर्फ अपने समय से लेकर बल्कि आज तक उनका नाम जो है वो सभी की जुबान पर है. मार्क्सिस्ट थ्योरी, उनकी रचनाएं, चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो चाहे दास कैपिटल हो, उनका आज तक भी चर्चा की जाती है, और कम्युनिस्ट थ्योरी को मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं. तो हम लोग जैसा कि ये जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है हमेशा से ही वर्ग, वर्ग संघर्ष, मजदूर और मजदूर और सर्वहारा वर्ग और जो गरीब तबका था, हमेशा उनकी ही चिंता करते रहते थे. और हमेशा से ही उन्होंने, जैसा कि पहले भी उनका एक कोट है कि आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, हमेशा से ही जो थ्योरी रही है, एक जो कि एलीट क्लास होता है, एक वो जिसके पास शासन के अधिकार होते हैं और दूसरा उसके सबॉर्डिनेशन में रहने वाला व्यक्ति. तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल से प्रभावित थे. हीगल की थ्योरी क्या थी? हीगल कहते थे कि जो सुपर है, या जो कि अधिसंरचना है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो हीगल का सिद्धांत था वो किसका था? सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना. जो अधिसंरचना है वो बेस है, और जो ये तो है बेस, और ऊपर जो है वो है व्यक्ति की आवश्यकताएं, जो कि व्यक्ति की जो खुद की आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेस स्ट्रक्चर उनके हिसाब से, हीगल के हिसाब से क्या था? अधिसंरचना, जो सुपर स्ट्रक्चर है वह पहले था. और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि मैंने हीगल के सिद्धांत को, जो सर के बल खड़ा हुआ था, उसको क्या कर दिया? उसको पाँव के बल खड़ा कर दिया. इट मीन्स कि जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स हमेशा से ही क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स ने कहा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या था? बेस संरचना जो है, बेस स्ट्रक्चर जो है, वो बेस स्ट्रक्चर क्या है? वो मेन है, और उसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा. जब तक हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं होगा, तो हम सिद्धांत की, ईश्वर की या सुपर जो बातें हैं उनको कैसे सोचेंगे? तो इसलिए उन्होंने हीगल के सिद्धांत को सीधा करा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था. तो ये जो चीज़ थी, ये अब कार्ल मार्क्स ने कहा, जैसा कि उन्होंने इस थ्योरी में अपनी बताया है कि इस प्रकार की चीज़ थी. तो जो कार्ल मार्क्स का ये जो सिद्धांत है, आज का सिद्धांत जो है वो क्या कहलाएगा? अलगाव का सिद्धांत. ये भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आज इसको अभी बताया आपको. तो जो मजदूर है, जो एक जो सर्वहारा वर्ग है, वो अपना एक रूटीनल काम करते करते कैसे अपने उस समाज से, खुद से, अपने आस पड़ोस से कैसे एलिनेटेड होता चला जाता है, किस प्रोसेस में, वो चीज़ जो है उन्होंने, वो आज के हमारे इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे. तो जो अलगाव का सिद्धांत है, वो सबसे पहले क्या करता है? व्यक्ति को पावरलेसनेस कर देता है, उसके अंदर शक्तिहीनता पैदा कर देता है. व्यक्ति अपने आप को एक रूटीन के काम करते करते, उसको ये पता ही नहीं होता कि उसको क्या काम करना है. उसको सिर्फ 10 से 5 काम करना है, 10 से 5 की पारी में जाना है. वो क्या काम कर रहा है, उसको क्या करना है, उसका एक मैकेनिज्म है उसके पास, और वो उस हिसाब से काम करता है. तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का उत्साह ही नहीं रहता है. तो उसके कारण से अपने आप को क्या समझने लग जाता है? मीनिंगलेस. वो अपने आप को क्या समझने लगेगा? मीनिंगलेस समझने लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है.
इस प्रकार की जब मन में मानसिकता होने लग जाती है तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति जो है नॉर्मलेसनेस है, कि जो नॉर्म का सिद्धांत जो है वो दुर्खाइम का एनोमी का सिद्धांत भी है, जिसमें व्यक्ति जो समाज के बने हुए नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स के भी विपरीत आचरण करने लग जाता है, उन नॉर्म से भी अलग जाने लग जाता है, और धीरे धीरे इस सिद्धांत के अनुसार जो मजदूर है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वो अपने आप को उस प्रोसीजर का, जो कि उस प्रोसीजर, हम प्रोसीजर पर अब आते हैं, उस प्रोसीजर का अपने आप को अंग समझने लग जाता है और अपने आप को एक मशीन की माफिक समझने लग जाता है। तो जो स्टेप्स आते हैं एलियनेशन के, जो अलगाव के, जो व्यक्ति जो एलियनेटेड किस प्रकार से होता चला जाता है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो किससे होगा, उत्पादन से, जो प्रोडक्शन वो कर रहा है उस उत्पादन से वो अपने आप को एलियनेटेड, तो कैसे वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करेगा, कि वो उसको ये लगने लग जाता है कि वो जो प्रक्रिया, उसको पता ही नहीं है, अगर वो पैन बना रहा है तो बस उसको पैन बनाना है, किस प्रकार के खांचे में या किस प्रकार के उस मॉड्यूल में उसको डालना है और उसको बनाना है, तो उसको कोई मतलब नहीं, तो धीरे धीरे बस वो आना और अपने उस प्रोडक्शन में लग जाना, उसके बाद वो प्रोसेस, वो जो प्रक्रिया है उसको कुछ मतलब नहीं है किसी चीज़ से, बस उसको उस टाइम पीरियड में इतने चीज़ें बनाकर रखनी है, उतनी चीज़ें उसको बनानी है, और उस लिए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि उस उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से भी वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लग जाता है, और फिर जब वो प्रक्रिया में भी उसको एक रूटीन का जीवन हो गया, उस रूटीन के जीवन से फिर वो आगे आगे जब बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो अगला आ जाता है स्टेप ही कम्युनिटी और फ्रेंड से भी, वो कम्युनिटी और फ्रेंड से भी धीरे धीरे एलिनेटेड होता चला जाता है। तो कम्युनिटी से कैसे होगा, जिस समुदाय में वो रह रहा है और जिन फ्रेंड्स के साथ वो हर दिन कार्य करता है, वो फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो धीरे धीरे मिसबिहेव करने लग जाता है, या फिर वो उनके साथ धीरे धीरे एलूफ होने लग जाएगा, या अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करवाने लग जाएगा, करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से पहले वो प्रोडक्शन, उससे उत्पादन से एलिनेटेड होगा, फिर वो प्रक्रिया से एलिनेटेड होगा, उसके बाद कम्युनिटी और फ्रेंड से एलिनेटेड होगा, और एट लास्ट जो है वो सेल्फ एलिनेटेड हो जाएगा, खुद से आइसोलेटेड हो जाएगा, और यह स्थिति जो है वो बड़ी भयानक होती है, जब व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मैं अपने आप से ही, मेरे अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो पावरलेसनेस, अपना उसका मीनिंगलेसनेस और उसके अंदर नॉर्मलेसनेस, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, तो बाद में लास्ट में क्या हो जाता है, वो सेल्फ एलिनेटेड हो जाता है, और यह स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है, इसमें व्यक्ति पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही कम्युनिटी और फ्रेंड से तो पहले से ही एलिनेटेड होता चला जा रहा है, उससे पहले उसको प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है क्या चीज़ बन रही है क्या चीज़ नहीं बन रही है, धीरे धीरे वो क्या करेगा कि अपने आप से ऐसा एकांत में हो जाता है व्यक्ति, और लाइफ में या तो वो शराब पीने लग जाता है या ड्रग्स लेने लग जाता है, और वो चीज़ों का जब वो आदत ही हो जाता है तो वो अपने परिवार और उनकी आवश्यकताओं की भी कटौती करने लग जाता है, उसकी लाइफ में कोई चार्म ही नहीं रह जाता, उसकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता है, तो जो सेल्फ एलिनेटेड वाली स्थिति जो है वो बड़ी ख़राब स्थिति है। इस स्थिति में आके व्यक्ति के अंदर फिर जब वो इतना ज़्यादा भर जाता है तो कौन सी स्थिति आएगी कि फिर वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि फिर क्या आएगा, रिवॉल्यूशन, फिर कौन सी स्थिति आएगी, क्रांति की स्थिति आएगी, और व्यक्ति जो है वो पूरे लोग उसके, और क्रांति की स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा कि सारे लोग, जो जितने भी सारे मजदूर हैं उनको आपस में अपना नेता चुनकर, और फिर उस समाज के प्रति एक जो मार्क्स का अगला जो एक स्टेप्स जो उन्होंने बताया है, या जो सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया में एंड जो बताया वो क्लासलेस सोसाइटी है, उस क्लासलेस सोसाइटी की ओर उनके बढ़ते हुए कदम आएंगे, तो वो जो कदम बढ़ेंगे तो वो यहाँ पर क्रांति की स्थिति आ जाएगी। अब ये जो क्रांति की स्थिति आ जाएगी तो उससे क्या होगा, समाज में जो ऐसी स्थिति आएगी कि समाज में बदलाव आएगा,
और जो एस्पेक्ट्स जो हैं, जो अलगाव के एस्पेक्ट्स जो हैं, जो जो उनका मिल मालिक है, जो एक्चुअल में जो सुपर है, जो व्यक्ति जो है एलीट क्लास है, वो क्लास जो है वो मजदूर को भ्रमित करती है। इस पूरे प्रक्रिया में आप देखोगे कि जो मिल मालिक है वो सर्वे सर्वा है, उसके पास सर्व अधिकार हैं, तो वो क्या करता है कि वो मजदूर को गुमराह करता है। तो इसलिए अलगाव के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पक्ष जो हैं, वो ये कहते हैं कि जो मजदूर को कभी कभी बोनस के रूप में दिवाली पर या कभी किसी त्यौहार पर या कभी किसी उनको अपनी कोई उनका इंक्रीज हुआ हो या शेयर्स बढ़े हों, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो मजदूर को थोड़ा सा लालच देते हैं और लालच देकर उनको थोड़ा सा बोनस के रूप में कोई चीज़ दे देते हैं। तो मजदूर, क्योंकि मजदूर तो क्या है, मजदूर जो है वो अपने उसको पता है कि मैं मजदूर हूँ, वो अपनी स्थिति से उसको ये मालूम है कि मैं मजदूर हूँ और उस स्थिति से उसको कोई बुरा भी नहीं मानता है, उसको वो मान कर चलता है कि मैं मजदूर हूँ और ये मेरे मिल मालिक हैं। तो जब वो ऐसा मान लेता है, तो पर जब वो ऐसा मानते 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 भी जब उसको ये इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि उसको बोनस के रूप में कुछ चीज़ मिल जाती है या उसको कोई प्रॉफिट में कोई मान लीजिए एक न के बराबर भी कोई शेयर या कुछ इस प्रकार का कोई चीज़ मिल जाती है, तो वो इतना उत्साहित हो जाता है। और उत्साहित होकर जो अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वह भी इसी में ही इंक्लूडेड है। तो उस अतिरिक्त मूल्य के रूप में मिल मालिक की तो क्या चीज़ होती है कि उसके मन में तो ये भाव अंदर से छिपा हुआ होता है कि मैं इनसे कोई एक्स्ट्रा काम करवा लूँ, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं बोनस के रूप में 2 घंटे का आप ज़्यादा काम करो, क्योंकि उसने पूरा हिसाब लगा लिया और पूरा हिसाब लगाकर उसने ये सोच लिया कि ये 2 घंटे काम करके इतना प्रोडक्शन करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो उसने वो सोच कर बैठा हुआ है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरे इतने चीज़ें तैयार हो जाएंगी, उसके एवज में अगर मैं इसको 2 घंटा काम भी दे दूंगा तो मेरी तो वो जो सरप्लस वैल्यू, मेरी वैल्यू तो बढ़ेगी। पर जो मजदूर है वो जो है वो क्या हो जाता है कि उसका धीरे धीरे वो ज़्यादा काम करता है, उसकी अपनी एफिशिएंसी को पूरा लगा देता है और धीरे धीरे क्या करता है कि उसका लॉस डिटर्मिनेशन होने लग जाता है, क्योंकि वो अपने ऊपर भरोसा उठने लग जाता है। रोज़ ही एक रूटीन का काम करते 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 वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके मन में ये भावना आने लग जाती है कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है कि मेरे को बस 10 से 5 इस पारी में काम करना है, इतना प्रोडक्शन करना है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, उसका बाज़ार भाव क्या होगा, उसका आगे किस प्रकार की पब्लिसिटी की जाएगी, क्योंकि सारे सेक्शंस अलग अलग होते हैं। उसको तो बस उतना बनाना है, उसका जिस फील्ड का काम है उसको उतना ही मटेरियल तैयार करना है, उससे वो चीज़ क्या बने, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाता है तो उसको तो उसके पूरे दाम देने पड़ते हैं, तो उसको ये नहीं है कि उसने व्यक्ति ने बनाया है। कितना एलियनेशन की चरम सीमा है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को बनाता है वो चीज़ बनाने के बाद वो उससे अलग हो जाता है, दुर्खाइम की थ्योरी है, तो उससे अलग हो जाता है। और जब वो अलग हो जाएगा, अलग हो जाने के बाद जब वो मार्केट में जाता है तो उस चीज़ के पूरे दाम उसको चुकाने पड़ते हैं। तो उसके उस सृजन का, उसकी उस क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा, कोई उसको फ़ायदा नहीं होता है और मिल मालिक उसका किसी भी प्रकार से उसको इस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देता, वो तो उसको बोनस के रूप में थोड़ा सा देकर ही पूरा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका लॉस ऑफ डिटर्मिनेशन होने लग जाता है और एट लास्ट जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस की स्थिति आ जाती है। उसको मिल मालिक के द्वारा ऐसा फॉल्स कहा जाता है, फॉल्स उस प्रकार की चेतना उसके अंदर जागृत की जाती है कि वो जो है अपने आप से ही उसको छल होने लग जाता है, उसके अंदर ये भावना आने लग जाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की इस स्थिति से समाज में जो है वो अराजकता फैलती है और समाज में जो है वो ये लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जो मजदूर है वो एट लास्ट मजदूर ही रहेगा और जो मालिक है वो मालिक ही रहेगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम वो जो मजदूर है उसको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, उनको आपस में इकट्ठा होना चाहिए, उसको फॉल्स कॉन्शियसनेस से निकलकर एक ट्रू कॉन्शियसनेस में आना चाहिए और अपने लिए जीना चाहिए, अपने खुद के लिए जीना चाहिए। और जो जो हीगल का भी सिद्धांत था, जो कि वो अधिसंरचना की जो बात कर रहे थे, उस अधिसंरचना की धरातल पर खड़े होकर
और कार्ल मार्क्स की जो बेस थ्योरी है रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी शामिल करके एक ऐसे समाज की स्थापना की जाए जिसमें कि सभी को समान अधिकार मिले और जो व्यक्ति जिस हिसाब से पढ़ा हुआ है, जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ हुआ है, उस हिसाब से उसको वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। ना तो मजदूर को किसी भी प्रकार का लॉस होना चाहिए और ना ही मालिक को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए। तब क्या होगा, असली रिवॉल्यूशन होगा। कार्ल मार्क्स इस क्लासलेस सोसाइटी के को सोचते ही रह गए और उन्होंने अंत में ये चाहा कि सारे मजदूर एक साथ मिलकर रिवॉल्यूशन करें, क्रांति करें, और तब जाकर जो मजदूर जो है वो इस एलियनेशन के सिद्धांत से अलग हो पाएगा। अदरवाइज मजदूर हर युग का, हर समय का इसी प्रकार एलियनेटेड होता चला जाएगा। तो ये थी आज का एलियनेशन के सिद्धांत। ये कार्ल मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कई बार आज तक भी इसको, कार्ल मार्क्स की हर थ्योरी को आज तक भी फॉलो किया जाता है और ये सिद्धांत भी आज भी उस स्थिति पे सटीक होता है, क्योंकि चाहे वो ज़माना हो चाहे आज का हो, मजदूर आज भी उसी प्रकार से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है जैसा कि वो पहले था। थैंक यू वेरी मच।